नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं उन चेंजेस और प्रपोजल्स की बात करने के लिए जो कि 21 जुलाई को 28वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काउंसिल ने सजेस्ट किए। दोस्तों, हमने पूरे सजेशंस को, पूरे रिकमेंडेशंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा ये वाला है, इसके बाद हम दूसरे हिस्से में बाकी चेंजेस की बात करेंगे। आज के हिस्से में, अभी वाले में, हम ये बात कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है ऑन गुड्स, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक्ट में 17 चेंजेस, कानून में 17 चेंजेस काउंसिल ने सजेस्ट किए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ टैक्स इन गुड्स। दोस्तों, 5 तरह के चेंजेस आए हैं, 28 से 18 हुआ है, 28-18 5 से कुछ जीरो पे आए हैं, निल पे आए हैं, 12 से 5 है, 18 से 12 हुआ है और 18 से 5 हुआ है। सबसे पहले 28 से जो 18 हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी गुड्स हैं उनको 28 से 18 कर दिया गया। रेफ्रिजरेटर, सभी तरह के रेफ्रिजरेटर्स इंक्लूडिंग वाटर कूलर्स भी 28 से 18 हो गए हैं, इवन आइसक्रीम फ्रीजर्स भी। वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, लिथियम ईयन बैटरीज, टेलीविजन्स जो 26 इंच तक के हैं वो भी 28 से 18 की कैटेगरी में आ गए हैं। दोस्तों, वर्क ट्रक्स, दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज कि जो कि शॉर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए विद इन फैक्ट्री प्रीमिसेस हम लोग जो वर्क ट्रक्स यूज करते थे वो भी 28 से 18% पे आ गए हैं। ट्रेलर, सब ट्रेलर्स भी 28 से 18% पे आ गए हैं। एक और गुड न्यूज है दोस्तों इंडस्ट्री के लिए, और ये है जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हमेशा ये परेशानी में थे कि उनके पास कुछ एक्युमुलेटेड क्रेडिट था इन्वर्टेड ड्यूटी की वजह से। मतलब 12, 18, 28 पर कुछ गुड्स खरीदते थे और उनका फैब्रिक जो बिकता था वो 5 पर बिकता था, जिसकी वजह से उनके पास हमेशा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता था और एक्युमुलेट हो जाता था क्रेडिट। सरकार ने लेकिन उस क्रेडिट का रिफंड मना किया हुआ था। तो अब वो उन्होंने बताया कि अगर ऐसी स्थिति होगी प्रोस्पेक्टिवली, जिस डेट से ये नोटिफाई होगा उस डेट के बाद अगर कोई भी एक्युमुलेटेड क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसका रिफंड वो अलाउ करेंगे। दिस इज अ वेलकम न्यूज। उसके बाद 18, 12 और 5 से जीरो हुआ है, निल हुआ है। उसमें मेजरली जो भगवान की मूर्तियां हैं वो स्टोन से, मार्बल से, लकड़ी से बनी हुई राखी है, राखी सभी तरह की राखी, लेकिन प्रेशियस और सेमी प्रेशियस मेटल से बनी हुई राखी बाहर है, राखी अदरवाइज जीरो पे आ गई है। सैनिटरी नैपकिन जीरो हो गए हैं, मतलब उसके ऊपर कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं है। 12 से 5 में जो बेसिकली हैंडलूम दरी हैं वो मेजर आइटम है। 18 से 12 में बैम्बू फ्लोरिंग है, ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव है, ये सब चीजें हैं। 18 से 5 में एथेनॉल फॉर सेल फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विद फ्यूल है, जिससे कि फ्यूल की कॉस्ट कम हो सकती है। सॉलिड बायोफ्यूल पैलेट्स है। एक और इंटरेस्टिंग चेंज है, हम सब जानते हैं कि जो फुटवेयर हैं वो 500 रुपए तक का अगर उनका रिटेल सेल प्राइस है, प्लीज माइंड बाय वर्ड्स व्यूअर्स, रिटेल सेल प्राइस, मैक्सिमम सेल प्राइस, रिटेल प्राइस, एमआरपी नहीं, रिटेल सेल प्राइस जिस पर वो बिकते हैं, अगर वो 500 रुपए तक का है और वो इम्बोज्ड है उसी फुटवेयर पर, तो उस पर 5% लगता था। प्रपोज्ड ये है कि वो 500 के लिमिट को हम कर देंगे 1000 रुपए। मतलब अगर कोई 1000 रुपए तक का भी रिटेल सेल प्राइस का गुड होगा, फुटवेयर होगा, उस पर 5% टैक्स लगेगा। दिस इज ऑल्सो ए वेलकम न्यूज, वेलकम स्टेप, ये इंडस्ट्री सोसाइटी के हित में है। उसके बाद अगर वो 1000 से ऊपर होगा तो 18% लगेगा, दिस इज वेरी कॉमन। और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं उनको भी 18 से 12 पर कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की अपने इस वीडियो में, और वो है लॉ के जो चेंजेस हैं। 17 चेंजेस हैं दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुने जरा, यहां पर 17 चेंजेस और बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। और जो प्रॉब्लम्स हम लोग इकोनॉमी में डे टू डे फेस कर रहे थे, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, सारे लोग, सोसाइटी, वो उनको काफी हद तक कर्व करने की, एड्रेस करने की कोशिश की गई है। पहला चेंज है कि जो कंपोजिशन डीलर है उसकी लिमिट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दी गई है। एक्ट में 1.5 करोड़ का चेंज लाया जाएगा। मतलब अगर आप 1.5 करोड़ तक की भी सप्लाईज ऑफ गुड्स करते हैं तो आप कंपोजिशन लेने के एलिजिबल होंगे। एक और वेलकम चेंज है कि कंपोजिशन डीलर्स को सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं हो सकती थी, रेस्टोरेंट सर्विसेज छोड़कर इसके अलावा कोई भी डीलर कंपोजिशन डील नहीं ले सकता, लेकिन यहां सर्विसेज के लिए फैसिलिटी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सप्लाई कंपोजिशन में हो रही है और वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी करता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है, उसमें लिमिट बांध दी। उन्होंने कहा कि 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, अगर इस लिमिट में वो
कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी करता है, मान लीजिए घड़ियां बेचने वाला घड़ियों की रिपेयर भी करता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी करता है, तो वो 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द फाइनेंस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर तक की सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 9(4) जो कि रिवर्स चार्ज का सेक्शन है दोस्तों, उसमें भी एक मेजर चेंज लाने की प्रपोजल है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये 9(4) मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा रिवर्स चार्ज का, वो है जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी माल खरीदता है तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना है। उन्होंने कहा कि हम कुछ स्पेसिफाई करेंगे गुड्स और क्लास ऑफ पर्सन स्पेसिफाई करेंगे, उन्हीं को सेक्शन 9(4) में टैक्स पे करना है। 9(3) एज इट इज चलता रहेगा, मतलब जो स्पेसिफाइड 9 सर्विसेज है उनमें जैसे जीटीए की है, डायरेक्टर की है, एडवोकेट की है, उन स्पेसिफाइड सर्विसेज पे 9(3) एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज प्रपोज नहीं है। उसके बाद थ्रेशोल्ड जो कि हमारे हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 10 लाख की थी, उसको प्रपोज किया गया बढ़ाना 20 लाख रुपए, ये भी एक वेलकम स्टेप है दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमी जब हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमी इंक्लूसिवली ग्रो करे तो हर जगह हम ये करते हैं कि हर जगह बिजनेस का लेवल जो ऑपरेशंस का लेवल है वो सेम है, तो 10 से उसको 20 करने की प्रपोजल दिया गया है। उसके बाद हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन होती थी कि अगर आप एक स्टेट में 20 लोकेशंस पे भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है तो रजिस्ट्रेशन आपको एक ही मिलता था, जिससे कि ऑपरेशनल इनकन्वीनियंस होती थी, उसको हटा दिया गया है। अगर सेम वर्टिकल भी है और आपका मल्टीपल लोकेशंस पे प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट में, तो आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले सकते हैं, इससे आपको ईज कन्वीनियंस होगी, आप प्रॉफिट सेंटर्स डिटरमाइन कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट्स कंप्लायंसेस इजी हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा एक और वेलकम चेंज है दोस्तों जो प्रपोज्ड है, सारे प्रपोजल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, वो ये है कि जब मैं अपना कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता था 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक वो कैंसिलेशन नहीं होता था, मुझे कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट मेरे ऊपर बनी रहती थी, भले ही मैंने बिजनेस बंद कर दिया है या मैं थ्रेशोल्ड से नीचे आ गया हूं फिर भी मुझे कंप्लायंसेस करने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि ये वेलकम चेंज है, उन्होंने कहा कि अगर जब आपने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, टेम्पररीली आपका नंबर सरेंडर हो गया है, तो आपको कंप्लायंस करने की अब जरूरत नहीं है, मतलब आपको अब रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारे चेंजेस तब से एप्लीकेबल होंगे जब एक्ट में चेंज नोटिफाई होंगे, ऑफिशियली गैजेट में नोटिफाई होंगे। उसके बाद शेड्यूल 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी लिंक्ड है। शेड्यूल 3 में अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, ये वो है जो सीजीएसटी एक्ट में है और इसमें लिखा है कि जो जो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में है उन ट्रांजेक्शन को ना ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। इसकी वजह से इसका मतलब ये हो गया कि वो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। 3 ट्रांजेक्शन को उस शेड्यूल 3 की लिस्ट में एड किया गया है। पहला, अगर आप इंडिया में है, आप एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से गुड्स खरीदते हैं और दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स बेच देते हैं बिना गुड्स के इंडिया में एंटर हुए, तो उसको हम शेड्यूल 3 आइटम मान लेंगे। मतलब ये ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि ना कि गुड्स की सप्लाई है ना कि सर्विसेज की सप्लाई है, इसका मतलब जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना। दूसरी इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है वो ये है, अगर जब आप गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और एक बॉन्डेड वेयर हाउस, कस्टम वेयर हाउस, एक रजिस्टर्ड वेयर हाउस में आप स्टोर करते हैं बिना उसको अभी होम क्लियरेंस के लिए क्लियर करवाने के लिए, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाया आपने और वहीं गुड्स पड़े हुए हैं कस्टम वेयर हाउस पे आपके और आपने वहीं गुड्स बेच दिए हैं, तो भी उसको शेड्यूल 3 आइटम माना जाएगा, ना ही वो गुड्स की सप्लाई है ना ही सर्विसेज की, जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है। तीसरा, हाई सी सेल्स जो कि हमारे लिए नया नहीं है, ये भी उन्होंने शेड्यूल 3 में डाल दिया, स्पेसिफिकली कह दिया कि ये ना ही सप्लाई है गुड्स की ना ही सर्विसेज की, जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है। एक समस्या दोस्तों हमारे पास ये आती थी कि ये जो सप्लाईज हैं जो कि जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, शेड्यूल 3 की सप्लाईज हैं, वो सप्लाईज तो टैक्स तो नहीं लग रहा, लेकिन उन सप्लाईज को प्रोवाइड करने के लिए कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास आता है, हम कुछ इनवर्ड सप्लाईज रिसीव करते हैं। अब उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, उन्होंने क्लेरिफाई किया प्रपोजल्स में कि यस, शेड्यूल 3 की जितनी भी एक्टिविटीज हैं अगर उनके ऊपर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास है तो उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास होगी। मतलब अगर आपने एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में माल बेचा है और उस एक्टिविटी को करने के लिए इंडिया में कोई ऑफिस सेटअप किया, उसके लिए रेंट दिया है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज ली है, उसके लिए उसको फीस दी है,
उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको अवेलेबल होगा. दिस इज ऑल्सो ए वेलकम स्टेप दोस्तों. उसके बाद मोटर व्हीकल के ऊपर बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी दोस्तों, कुछ चीजें क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, कुछ चीजें टू माय माइंड और कॉम्प्लिकेट हो गई हैं. जैसे कि उन्होंने एक चेंज प्रपोज किया कि हम मोटर व्हीकल का क्रेडिट सिर्फ उन मोटर व्हीकल्स पे देंगे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हैं उन मोटर व्हीकल्स पे देंगे जिनकी कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है, मतलब 13 से नीचे वाली जिनकी सिटिंग कैपेसिटी है उन मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तब भी जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हैं. फिर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चेंज कहा, ये एक वेलकम चेंज कहूंगा मैं, जिसमें बहुत इकोनॉमी में कंफ्यूजन थी, मल्टीपल व्यूज थे. उन्होंने कहा कि जिन मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट परचेज पर अवेलेबल है उन्हीं मोटर व्हीकल्स पर इंश्योरेंस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट भी अवेलेबल होगा. मतलब अगर कोई मोटर व्हीकल मैंने खरीदा है और उसका क्रेडिट परचेज पर मुझे अवेलेबल नहीं है तो उसकी इंश्योरेंस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा. हालांकि मैं बता दूं दोस्तों, एक FAQ में सरकार ने रिलीज किया और उसमें कहा कि अगर आप एक्सक्लूसिवली मोटर व्हीकल को बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं तो इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट अवेलेबल होगा. लेकिन अब अगर एक्ट में चेंज आ जाएगा तो उस FAQ का कोई रेलेवेंस नहीं रहता, आपके लिए कोई स्कोप नहीं बचता, क्रेडिट सिर्फ उसी में अवेलेबल होगा. उसके बाद 180 दिन की एक कंडीशन है दोस्तों. उन्होंने कहा कि अगर आपने 180 दिन में सप्लायर को पेमेंट नहीं की तो क्रेडिट रिवर्स कर दीजिए, ब्याज दीजिए. ये चेंज उन्होंने लाया कि ब्याज जो है अब आपको नहीं देने की जरूरत, ये वेलकम चेंज है. क्रेडिट रिवर्स कीजिए लेकिन ब्याज पे नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब आप पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट रीस्टोर हो जाता है, तो ब्याज जो है वो कहीं ना कहीं एक परेशानी वाली बात थी, तो उन्होंने उसको हटा दिया. उसके बाद एक और वेलकम चेंज है क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स के ऊपर. अभी तक क्या होता था कि एक इनवॉइस एक क्रेडिट नोट, एक इनवॉइस एक डेबिट नोट, अगर मल्टीपल इनवॉइसेस हैं तो मल्टीपल क्रेडिट नोट्स. उन्होंने इसको कहा कि आप एक क्रेडिट नोट से मल्टीपल इनवॉइसेस भी लिंक कर सकते हैं, मतलब 100 इनवॉइसेस 200 इनवॉइसेस का एक क्रेडिट नोट. ये बहुत बड़ी जो प्रोसीजरल इनकन्वीनियंस थी सोसाइटी के लिए वो उन्होंने ठीक की. उसके बाद उन्होंने कहा जॉब वर्क में एक छोटा सा चेंज उन्होंने लाया कि अगर इनपुट्स आपके जाते हैं और कैपिटल गुड्स जाते हैं, लॉ ये कहता है सेक्शन 143 में कि एक साल में इनपुट्स और 3 साल में कैपिटल गुड्स वापस आने चाहिए, उसको उन्होंने पीरियड को एक्सटेंशन की, कमिश्नर को पावर दे दी कि इनपुट के लिए 1 साल का और एक्सटेंशन, कैपिटल गुड्स के लिए 2 साल का और एक्सटेंशन. टोटल इनपुट 2 साल में वापस आने चाहिए, कैपिटल गुड्स 5 साल में वापस आ जाने चाहिए. उसके बाद एक IGST में 2 चेंजेस हैं. उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ये कंडीशन नहीं है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लेकर आना है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में स्पेसिफिकली ये कंडीशन है कि फॉरेन एक्सचेंज जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है उसमें पैसा आना चाहिए. अब ये जो कंडीशन सर्विसेज की है इसको भी डन अवे कर दिया गया प्रपोजल में. उन्होंने कहा कि अगर INR में भी पैसा आता है प्रोवाइडेड वो RBI परमिट करता हो, हमें कोई समस्या नहीं है, हम उसको सर्विस का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लेंगे, उसको जीरो रेटेड का बेनिफिट दे देंगे. उसके बाद जॉब वर्क के ऊपर एक और चेंज है दोस्तों, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का चेंज है IGST एक्ट में. उन्होंने कहा मैं एक जॉब वर्कर हूं, इंडिया में बैठा हूं, एक मशीनरी इंपोर्ट हो रही है इंडिया में, उसके ऊपर मैंने ट्रीटमेंट और कोई प्रोसेस किया, मतलब जॉब वर्क एक्टिविटी की, और उसको एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया बिना उस गुड मशीनरी को इंडिया में कहीं यूज किए, तो उस ट्रीटमेंट और प्रोसेस को करने की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी. मतलब ये हुआ कि उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रीट किया जा सकता है, जीरो रेटेड का बेनिफिट दे दिया, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, और पैसा अगर INR में भी आ गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए, क्योंकि यही चेंज किया है, तो उसको एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा. उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चेंज है जो गवर्नमेंट के रिकवरी प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करता है. उन्होंने कहा कि अगर आप एक पैन पर 10 डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, 20 डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, मतलब एक ही पैन पर 20 रजिस्ट्रेशन है, एक रजिस्ट्रेशन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट दूसरे रजिस्ट्रेशन से नहीं लिया जा सकता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, आपके बीच में डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप है, तो एक डिस्टिंक्ट पर्सन का आउटस्टैंडिंग टैक्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अदर डिस्टिंक्ट पर्सन. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज माई डियर फ्रेंड्स. जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, अगर एक स्टेट में कोई आपका कोई नॉन कंप्लायंस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अदर स्टेट GSTIN ऑल्सो. उसके बाद एक और बात कही उन्होंने, कहा कि हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस यूटिलाइजेशन को रैशनलाइज करेंगे. सिर्फ कहा है,
प्रेस रिलीज में इसका कोई जिक्र नहीं है। यहां तक ये 17 चेंजेस थे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सारे रेट ऑफ टैक्स के चेंज और लॉ के चेंज उस दिन से एप्लीकेबल होंगे जिस दिन नोटिफाई हो। रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स जो हमने डिस्कस किया वो होपफुली 27 जुलाई तक नोटिफाई होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक प्रेस रिलीज में ये डेट लिखी है। अदरवाइज एक्ट में चेंजेस कब आएंगे कब नहीं आएंगे वी डू नॉट नो। रेट ऑफ टैक्स तब तक वही चलेंगे जब तक नोटिफाई नहीं हो जाते जो आज हैं। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। थैंक यू फ्रेंड्स।